तो दोस्तों अगर आप Realme का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और Realme के मोबाइल में पहले आपके डिवाइस में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता था, आप अपने डिवाइस को जैसे चार्ज में लगाते थे तो ये 45 से 50 मिनट के अंदर में फुल चार्ज हो जाता था। पर दोस्तों जैसे आपने सॉफ्टवेयर को अपडेट किया और अपडेट करने के बाद अब क्या होता है कि आपका जो चार्जिंग है काफ़ी स्लो हो गया है, 1.5 से 2 घंटा अगर आपको यहाँ पर फुल चार्जिंग में टाइम लग जा रहा है। तो इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि इस प्रकार के प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा एप्लीकेशन का, उसका नाम है फ़ोन मैनेजमेंट, इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे ओपन कीजिएगा, ओपन करने वाला इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। नीचे में एक ऑप्शन मिल जाता है बैटरी वाला, ये जो बैटरी वाला ऑप्शन मिल रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो बैटरी से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। वहीं पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑन किया हुआ रहेगा। तो अगर ये ऑप्शन यहाँ पे ऑन किया हुआ रहता है तो देन यहाँ पे लिखा हुआ है कि 80% चार्जिंग होने के बाद क्या होता है कि आपका मोबाइल यहाँ पे स्लो चार्ज में चला जाता है। अब दोस्तों इसको अगर ऑन कीजिएगा तो इसका एक बेनिफिट ये देखने को मिलता है कि आपके जो मोबाइल का जो बैटरी होता है उसका लाइफ काफ़ी बढ़ जाता है। और अगर आप इसको यहाँ पे ऑफ करके रखते हैं तो फास्ट चार्जिंग देखने मिलेगा, आप अपने डिवाइस को फास्ट चार्ज यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पर यहाँ पे क्या होता है कि बैटरी की लाइफ थोड़ी यहाँ पे कम हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताएं।